हेलो फ्रेंड्स एम सी क्यू के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है आज हमने एम सी क्यूज ऑन साइल इन इंडिया पे एक वीडियो लाया है यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स एम सी क्यूज ऑन साइल इन इंडिया पे पहला क्वेश्चन द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आई हैज़ क्लासिफाइड सॉयल हाउ मनी कैटगरीज़ ऑप्शन है फाइफ ऑप्शन बी सिक्स ऑप्शन सी सेवन ऑप्शन डी एट क्वेश्चन है कि इंडिया इंडियन एग्री काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आई सी ए आर ने इंडिया में सॉइल को कितनी कैटेगरीज़ में क्लासफाई किया है तो राइट आंसर चेक करने के लिए हम शो आंसर पे क्लिक करेंगे यहाँ ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर एट एट कैटेगरीज में सॉइल्स को क्लासिफाइड किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल और मेनली डिराइव्ड फ्रॉम द डेबर ब्रॉथ डाउन फ्रॉम द हिमालयस और द सिलिट लेफ्ट बाय द रिट्रेटिंग सी तो ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन ए रेड सोईल ऑपशन बी एलि ऑप्शन सी सलाइन एंड एल्कलाइन सोइल्स ऑप्शन डी एरि राइट आंसर इसका चेक करते हैं ऑप्शन बी एलि इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एलि ऑल्सो आकर इन डेल्टाज ऑफ महानदी द गोदावरी द कृष्णा एंड द कावे वायर दे आर कॉल्ड एलोवेला सॉयल को इन डेल्टाज में क्या कहा जाता है ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन एलोवेलियम प्लान सॉयल ऑप्शन बी एलियम प्लानेसन सॉयल ऑप्शन सी डेल्टिक एलोवेलियम ऑप्शन डी फर्टाइल एलोवेलियम सॉयल तो इसका राइट आंसर चेक करते पहले राइट right आंसर है डेलेटिक एलिवेलियम डेल्टिक एलिवेलियम इज़ द राइट आंसर तो डेल्टिक एलिवेलियम कहा जाता है एलिवेला सॉइल को इन डेल्टाज में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्यू मीटर्स बिलो द टेरिस ऑफ बहंगर्स और बेड्स ऑफ लाइम नूडल्स नोन एज ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए कंकर ऑप्शन बी राइटी ऑप्शन सी पत्थर ऑप्शन डी कीचड़ तो राइट आंसर चेक करते हैं ऑप्शन ए ऑप्शन ए कंकर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ विच इज़ कम्पोजट ऑफ न्यूर एलिविलियम एंड फार्मज़ द बेडस एंड फार्मज़ द फ्लड प्लान एलोंग द रिवर बैंक्स तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए बहंगर ऑप्शन बी खादर ऑप्शन सी बहाबर ऑप्शन डी तराई तो राइट आंसर चक् करते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी खादर इज़ द रट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूटेबल क्रॉप्स फॉर एलिवेल सॉइल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑप्शन है हमारे पास वीट ए ऑप्शन ऑप्शन बी राइस ऑप्शन सी शुगर कैन ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम राइट आंसर चेक करते हैं इस क्वेश्चन का डी ऑल ऑफ देम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉइल इज लोकली नून एज द र्यूगर साइल र्यूगर साइल किस सॉइल को कहा जाता है इन ऑप्शंस में जो ऑप्शंस है हमारे पास ऑप्शन ए एलिवेल सॉयल ऑप्शन बी रेड सॉयल ऑप्शन सी ब्लैक सॉयल ऑप्शन डी एरिट सॉयल तो हमें बताना है र्यूगर साइल किस सॉइल को कहा जाता है लोकली तो ऑप्शन तो हमने पढ़ लिए अब हम इसका राइट आंसर चक करते हैं ऑप्शन सी ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल को लोकली में र्यूगर सॉइल कहा जाता है इट इज अट्ज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैक सॉइल इज़ फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ब्लैक सॉइल में कौन सी कल्टीवेशन ज़्यादा होती है ये तो सबको पता है फिर भी हम ऑप्शंस पढ़ेंगे और राइट right आंसर देखेंगे इसका राय पहले ऑप्शंस पढ़ेंगे हम इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए राइस ऑप्शन बी जूट ऑप्शन सी व्हीट ऑप्शन डी कॉटन तो ऑप्शन डी मुझे लग रहा है इज़ द राइट आंसर फिर भी चेक करते हैं चेक करने के लिए हम शो आंसर पे क्लिक करते हैं तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर कॉटन इज फेमस कल्टिवेशन ऑफ ब्लैक सॉइल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन द पेरेंट मटेरियल फॉर मोस्ट ऑफ द ब्लैक सॉइल और द दालकनिक रॉक्स दैट आर फॉर्म दैट आर फॉर्मड इन द तो ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन ए मालवा प्लेटू ऑप्शन बी दक्कन प्लेटू ऑप्शन सी वेस्टर्न गार्ड्स, ऑप्शन डी इस्टर्न गार्ड्स। तो राइट आंसर चेक करते हैं ऑप्शन डी बी दन प्लेटू तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द सॉयल आर ब्लैक इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शनस है हमारे पास आयरन एलमिनियम ह्यूमस ऑल ऑफ देम हमें बताना है कि सॉयल क्यों ब्लैक होता है तो उसमें से क्या प्रेजेंट हो किन क्या एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते तो जिसकी वजह से वो ब्लैक होता है तो राइट right आंसर हम चेक कर लेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ देम ऑल ऑफ देम तो आयरन एल्युमिनियम और ह्यूमस की वजह से सॉयल ब्लैक होता है तो राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट सूटेबल क्रॉप ऑफ ब्लैक सॉइलज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सूटेबल? हमें बत, हमें बताना है कि नॉट सूटेबल क्रॉप कौन है कौन है ब्लैक सॉइल में तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए कॉटन ये तो है सूटेबल तो ऑप्शन बी वेजिटेबल्स ऑप्शन सी राइसिस ऑप्शन डी पल्सेस तो राइट आंसर चेक कर लेते हैं पहले राइट आंसर इज़ राइस राइस इज़ राइट आंसर तो राइस इज़ नॉट सूटेबल क्रॉप ऑफ ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल में राइस नहीं पाया जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विच सॉयल इज़ ऑल्सो नून एज एमिन्यूबस सोयल एमीन्यूबस सॉयल किस सॉयल को कहा जाता है तो पहले ब्लैक सॉयल ऑप्शन दूसरा रेड सॉयल थर्ड वन इज एलिवेल सॉयल एंड लास्ट वन इज लिटरेट साइल तो लिटरेट सॉयल इज लास्ट वन तो हम इसका राइट right आंसर अभी चेक कर लेंगे इन ऑप्शन में कौन सा राइट right आंसर है तो राइट आंसर इज रेड सॉयल रेड सॉयल को एमिन्यूबस सॉयल बी कहा जाता है इस एमिन्यूबस ग्रुप में रेड सॉयल बी होता है तो बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस रेड सॉयल इज़ फाउंड इन इन राज्यों में किन किस राज्य में राज्य में रेड सॉइल को पाया जाता है तो हमें बताएं किस स्टेट में रेड सॉइल पाया जाता है तो जो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी है पंजाब ऑप्शन सी है नागालैंड ऑप्शन डी है गुजरात तो राइट आंसर हमें चेक करना है अभी राइट right आंसर हम देखेंगे राइट आंसर इज़ नागालैंड नागालैंड इज़ राइट आंसर नागालैंड में रेड सॉइल पाया जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द सॉइल इज़ रिच इन आयरन एंड पोटाश तो हमें बताना है कि कौन से सॉइल में ज़्यादा आयरन आयरन और पोटाश पाया जाता है जो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन है हमारे पास ब्लैक सॉयल ऑप्शन बी ए रेड सॉयल ऑप्शन सी एलिवेल सॉयल ऑप्शन डी रेड सॉयल तो राइट आंसर चेक कर लेंगे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज रेड सॉयल रेड सॉयल डी पार्ट डी पार्ट इज राइट आंसर तो डी तो रेड सॉयल में ज़्यादा आयरन और पोटाश पाया जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सूटेबल क्रॉप ऑफ रेड सॉयल रेड रेड सॉयल में कौन सा क्रॉप सूटेबल नहीं है नॉट सूटेबल क्वेश्चन को पहले ठीक से देखना है नॉट सॉयल नॉट सूटेबल क्रॉप तो ऑप्शन है हमारे पास फोर ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए वीट ऑप्शन बी पटैटो ऑप्शन सी शुगर कैन ऑप्शन डी टबैको तो राइट आंसर पहले चेक करेंगे इस क्वेश्चन का शुगर कैन ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर तो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है ऐसे शुगर कैन इज नॉट सूटेबल क्रॉप ऑफ द रेड सॉयल तो यहाँ तक तो ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉइल इज़ सीन इन द एरियाज़ वायर टेम्परेचर एंड रेन फॉल इज़ हाई क्वेश्चन है कि कौन सा सोयल देखा जाता है जहाँ पर टेमप्रेचर और रेनफॉल ज़्यादा होता है तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए ब्लैक सॉयल ऑप्शन बी रेड सॉयल ऑप्शन सी अलेवेल सॉयल ऑप्शन डी लिटरेट सॉयल तो हमें बताना है कि कौन सा सॉयल ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर किस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल ज़्यादा होता है तो ऑप्शन से हमारे हमने पढ़ लिए तो अब हम इसका राइट आंसर चेक करेंगे पहले राइट आंसर इज डी लिटरेट सॉयल लिटरेट सॉयल उस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर जहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल ज्यादा होता है आई होप आपको ये समझ आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटरेट सॉइल कंटेनर्स लिटरेट सॉइल कंटेनर्स नाइट्रोजन एंड पोटाश ऑप्शन बी पोटेशियम एंड लाइम ऑप्शन सी आयरन एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी ह्यूमस तो हमें बताना है कि लिटराइट सॉइल में लिटरेट सॉइल में क्या ज़्यादा पाया जाता है इन चीज़ों इन ऑप्शन में हमें राइट right आंसर देखना है तो राइट आंसर चेक करेंगे इसका राइट आंसर इज़ एल आयरन एंड अलमोनियम तो लिट्राइट सॉयल में आयरन और अलमोनीम पाया जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं लिटराइट सॉयल इज़ कॉमनली फाउंड इन लिटराइट सॉइल कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है कॉमनली फाउंड इन आम तौर पर कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है तो हमें हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी तमिलनाडु ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो राइट आंसर पहले चेक करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ देम। यानी कि लिटरेट सॉयल कर्नाटका तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस क्रॉप ऑफ लिटराइट सॉइल लिटराइट सॉइल का सबसे लिटरेट सॉइल का सबसे फेमस क्रॉप क्रॉप कौन सा है इन इन ऑप्शन में हमें चेक करना है राइट right आंसर को तो राइट आंसर चेक करेंगे पहले ग्राउंड ग्राउंडनट ऑप्शन सी ऑप्शन सी ग्राउंड नट ग्राउंड नट इज़ फेमस क्रॉप ऑफ लिटरेट सॉयल लिटरेट सॉयल का सबसे फेमस क्रॉप कौन कौन सा है ग्राउंडनट तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे विच सॉयल सेंडी विथ लो ऑर्गेनिक मैटर कौन से सॉइल सैंडी विथ लो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं तो ऑप्शन से हमारे पास एरिड सॉयल रेड सॉयल ऑप्शन सी ब्लैक सॉयल एंड ऑप्शन डी सेलाइन सॉयल तो ऑप्शन ऑप्शन हमने पढ़ लिए अब हम इसको इनके इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम चेक करेंगे एरिड सॉयल एरिड सॉयल इज राइट आंसर ए एरिड सॉयल एरिड सॉयल और सैंडी विथ लो ऑर्गेनिक मैटर एरिड सॉयल सैंडी होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन सूटेबल क्रॉप ऑफ एरिड सॉयल एरिड सॉयल का मैन सूटेबल क्रॉप कौन है इनमें से ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए राइस ऑप्शन बी व्हीट ऑप्शन सी मिल्ट ऑप्शन डी पल्स तो राइट आंसर पल्स ऑप्शन डी पल्स इज द राइट आंसर पल्सेस इज द मैन सूटेबल क्रॉप ऑफ एरिड सॉयल आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन सलाय एंड अल्कलाइन सॉयल्स आर मैनली फाउंड इन सलाइन और अल्कलाइन सॉयलज़ और मैनली फाउंड इन कहाँ पर ये पाए जाते हैं इन राज्यों में तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए राजस्थान ऑप्शन बी पंजाब ऑप्शन सी महाराष्ट्र तो राइट आंसर चैक करने के लिए हमें शो आंसर पे क्लिक करना है पहले ऑल ऑप एबो so, तो सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन राजस्थान पंजाब एंड महाराष्ट्र तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो एम सी क्यूज़ ऑन सॉयल्स इन इंडिया पे होप आपको पसंद आया होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा अगर आपको इस टॉपिक पे मोर एम सी क्यूज चाहिए तो हमारी वेबसाइट एम सी क्यूज अडा डॉट ऑनलाइन पर विज़िट कीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा थैंक यू